तो देखा आपने, गोभी के पराठे बनाना कितना आसान है और ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंडिताइन की रसोई। आई होप आप लोगों को मेरी बनाई हुई रेसिपी वीडियोस काफी पसंद आ रहे होंगे। आप इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी आज की डिश। तो हमारी आज की डिश है गोभी के पराठे। ठंड स्टार्ट हो गई है और बाजार में गोभी मिलना स्टार्ट हो गई है, और गोभी के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सबको पसंद आते हैं, और ठंड में चाय के साथ गोभी के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप अपने घर पर गोभी के पराठे बनाएंगे तो बड़े हो या छोटे सभी बहुत ही चाव से खाएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताती हूँ गोभी के पराठे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर गोभी का फूल लिया है। हम यहाँ पर 2 लोगों के लिए गोभी के पराठे बना रहे हैं, इसलिए हम इस गोभी के फूल को हाफ इस्तेमाल करेंगे। सेकंड, हमने आटा लिया है, यहाँ पर हमने 1 कटोरी आटा लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने अदरक, हरी मिर्च, जीरे का पेस्ट बना लिया है, अमचूर पाउडर, पुदीना पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काला नमक, सादा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च। तो गोभी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ लेंगे। जब तक हम आटा गूंथ के रखेंगे हमारा आटा सेट होगा, फिर हम गोभी का मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, इसमें आपके 4 पराठे बनेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है, आपको पानी लेना है। पराठों का आटा आपको थोड़ा पतला बनाना है जिससे कि हमारी फिलिंग करते समय आटा फटे नहीं और लोई अच्छे से रहे। आपको धीरे धीरे आटा मारना है। अगर आप एकदम से पानी डाल के आटा बनाएंगे तो आपका आटा गीला हो जाएगा और उसमें लम्स भी हो जाते हैं, जिससे कि फिर वो मोटी मोटी गांठे सी दिखाई देती हैं। आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे आटा गूंथना है और पतला आटा गूंथना है। यहाँ पर हमारा आटा अच्छे से गूंथ चुका है, ना ये ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा टाइट। आपको इसी तरीके से आटा गूंथना है और अब हम आटे को साइड पे रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो अब हम गोभी का मसाला तैयार करेंगे। गोभी का मसाला तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर गोभी ली है और गोभी के पीछे वाले पार्ट को कट करके आपको निकाल देना है, क्योंकि हम इसको पराठों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आपको यहाँ पे हम पूरा फूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम 2 लोगों के लिए पराठा बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर साइड से इस तरीके से आपको 2 ये तोड़ लेने हैं, क्योंकि हमें इतना ही पार्ट काफी होगा। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम गोभी ले ली है और अब हम इसको वॉश कर लेंगे। आपको गोभी को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि उसमें किसी भी तरीके की कोई डस्ट ना रहे। हाइजीन का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि खाना बनाते समय साफ सफाई रखने से हमारा खाना हेल्दी रहता है। तो यहाँ पर हमने गोभी को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसको किसेंगे। यहाँ पर हमने किसनी ली है, आप कोई भी किसनी ले सकते हैं, और इसको आपको इस तरीके से किसना है बारीक। मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बताती हूँ, जो लोग बाहर रहते हैं, लर्निंग स्टेज पर है मेरे भाई बहन, वो मेरे वीडियोस देखकर अच्छे से खाना बना सके। तो देखिए, आपको इस तरीके से पूरी गोभी किस लेनी है बारीक। तो यहाँ पर हमने गोभी को अच्छे से किस लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी फाइन किसी है। आपको इसी तरीके से पूरी गोभी किस लेनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मसाले। मसालों में सबसे पहले हम लेंगे अदरक, हरी मिर्च और धनिए का पेस्ट जिसे हमने पीस के रखा हुआ था। इसके बाद ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, गरम मसाला, धनिया पाउडर। यहाँ पर हम जो हमारे स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो ले रहे हैं, ये है पुदीना पाउडर, अमचूर पाउडर, इससे हमारे मसाले में खट्टा टेस्ट आएगा। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे चम्मच की सहायता से मिक्स कर सकते हैं, मैं हाथ से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही बढ़िया मसाला तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर पराठे तैयार करेंगे। पराठे तैयार करने के लिए हमारा जो हमने आटा लगा कर रखा था ये बढ़िया बन चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। लोई तोड़ने के लिए आपको इस तरीके से आटा लेना है, उसको थोड़ा सा गोल करना है और हल्का सा आपको सूखा आटा लेना है और सूखे आटे को लगाकर ऐसे रखना है, और धीरे धीरे आपको बेलन की सहायता से लोई को बड़ा करना है। ज्यादा बड़ी लोई नहीं करनी है, क्योंकि अभी हम इसमें फिलिंग करेंगे तो हमें सिर्फ इसको इतना बढ़ाना है। और इतना बढ़ाने के बाद अब हम फिलिंग करेंगे।
फिलिंग करने के लिए जो हमने गोभी का मसाला लिया था उसको हम रखेंगे। आप जैसा आपको पसंद हो, कम या ज्यादा, उस तरीके से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम यूज किया है और अब हम साइड कॉर्नर लेके इसको जोड़ लेंगे। आपको चारों तरफ से इस तरीके से लेना है और ऐसा जोड़ लेना है मोदक जैसे, और इसको दबा देना है। ये देखिए आपकी लोई बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपने पटे पे थोड़ा सा आटा स्प्रेड कर लेते हैं और इस पे लोई रखेंगे, जिससे कि आपकी लोई चिपके नहीं, और इसको धीरे धीरे बेलन की सहायता से बेलेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे और बेलेंगे। आपको मीडियम साइज का पराठा तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज का पराठा तैयार कर लिया है और यहाँ पर हमने तवे को मीडियम फ्लेम पर रख रखा था। अब हम इस पे पराठे को रखेंगे। आपको धीरे से पराठा उठाना है और इस पे रखना है इस तरीके से, ये आपका टूटेगा भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने पराठा रख दिया है, अब हम इसको सेकेंगे। आपको पहले एक साइड को हल्का सा सेक लेना है, उसके बाद ही ऑयल लगाना है। कच्चे में आपको ऑयल नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम पराठे को पलटेंगे, आप चाहें तो चिमटा ले सकते हैं। और हमने पराठा पलट लिया है और देखिए ये हल्का सा पक गया है। अब हम इसमें तेल लगाएंगे। तेल को आपको चारों तरफ फैला के फिर चम्मच से लगाना है, जिससे कि जो तेल है वो अच्छे से फैल जाए पूरे पराठे पे। तो यहाँ पर हमने तेल अच्छे से लगा लिया है, अब हम इसको पलटेंगे। हमने यहाँ पे अपना पराठा पलट लिया है, अब हम दूसरी साइड पर भी तेल लगाएंगे। तो हमने दूसरी तरफ भी तेल लगा लिया है और अब हम इसे पलट कर इस तरफ से सेकेंगे। ये देखिए हमारा पराठा यहाँ पर सिकना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और देखिए पराठा कितना बढ़िया सिका है। और हम इसी तरीके से अपने और पराठे तैयार कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारे सारे गोभी के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने इन्हें दही के साथ सर्व किया है, एक रेड चिली भी ली है। अगर आप चाहें तो इसे चाय के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने चटनी की वीडियो अपलोड की है, आप चाहें तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहां भी आप देख सकते हैं। तो देखा आपने गोभी के पराठे बनाना कितना आसान है और ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं। आप भी इन्हें अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी आज की गोभी के पराठों की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।